चलिए दोस्तों, सेट सिक्स 2020 यानी 2020 का सेट नंबर सिक्स की शुरुआत करते हैं और चलते हैं एक एक क्वेश्चन पे आपसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वन पे डिस्कस करते हैं। नेब्यूलस, नेब्यूलस का मीनिंग जानते हैं आप लोग क्या होता है? पहले तो इंस्ट्रक्शन देख लिया करो ध्यान से। नेबुलस होता है अस्पष्ट, यानी कि नॉट क्लियर, जो अस्पष्ट नहीं है उसके लिए। और इसका एक बेस्ट एक्सप्रेस होता है वेग। क्या होता है? वेग, हेजी, जो अस्पष्ट ना हो। तो यहां पे वेग इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो फेथ है ये आस्था या विश्वास के लिए आता है, आस्था या विश्वास। डियरली जो है वो महंगे के सेंस में आता, कॉस्टली, कॉस्टली। और स्टेबल, स्थिर। स्टेबल का क्या मीनिंग है? स्थिर होता है। तो सभी शब्दों के साथ आप जुड़ चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू क्या है जरा देखें ध्यान से। मेट्रोपॉलिटन, क्या बच्चे? मेट्रोपॉलिटन। अब मेट्रोपॉलिटन का क्या मीनिंग होता है? इसमें आपको क्या चाहिए? एंटो चाहिए, अपोजिट चाहिए। इसमें मेट्रोपॉलिटन जो संबंध होता है वो महानगर से होता है, महा नगरीय या महानगर से संबंध। इसका चूंकि अपोजिट चाहिए तो इंसुलर जो है वो आइलैंड से जुड़ा होता है, यानी द्वीप संबंधी। प्रोविंशियल जो होता है वो क्षेत्रीय या फिर से प्रांतीय बोल देते हैं। फेडरल जो होता है वो संघीय होता है, और नेशनल क्या होता है? राष्ट्रीय। अब दिए गए अगर आपके ऑप्शन हैं तो महानगर यानी बहुत बड़े क्षेत्र से जुड़ा हुआ, और प्रोविंशियल जो है इसका जस्ट अपोजिट होगा, जो कि प्रांतीय होता है, इन छोटी जगह या छोटे क्षेत्र से जुड़ा हुआ, छोटे क्षेत्र से जुड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर थ्री पर डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें पूछा गया है कि सही स्पेलिंग किसका है, करेक्ट स्पेलिंग किसका है। तो मेमोयर जो स्पेलिंग दिया है वो करेक्ट नहीं है, एक एम इसमें कम रहना चाहिए। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग को अगर देखा जाए तो इसमें जो है वो RESTAURANT, ये भी नहीं होगा, चूंकि हमें तो गलत स्पेलिंग वाला चुनना नहीं है, हमें तो सही वाला चुनना है। स्टूडियस की अगर स्पेलिंग देखेंगे अगर आप, STUDIOUS, तो यू यहाँ पे एक्स्ट्रा है, STUDIOUS। स्टूडियस होता है मेहनती, परिश्रमी, जो अध्ययन में लगा हो, अध्ययनरत। और बिजनेस BUSINESS होता है कार्य अथवा व्यापार। कार्य भी पढ़ते हैं इसको, ध्यान रखना है इसका, और व्यापार भी पढ़ते हैं। तो राइट स्पेलिंग थी डी की। राइट स्पेलिंग किसका था? डी ऑप्शन का राइट स्पेलिंग था। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर फोर को देख लीजिए। सेलेक्ट द
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस. दिए गए सेंटेंस में मोस्ट अप्रोप्रिएट शब्द चुनना. ए ऑफ स्मॉल स्टोन्स. अब चूंकि स्टोन का कोई कलेक्टिव नाउन देखना इज कॉल्ड अ मोजाइक, इसी को मोजाइक बोला जाता है. अगर आप इसमें देखेंगे तो स्टोन के लिए कोई कलेक्टिव नाउन सूटेबल क्या हो सकता है, स्टोन का सूटेबल कलेक्टिव नाउन होगा एक पैटर्न. अगर पत्थर का एक विशेष पैटर्न हो तो उसे ही मोजाइक बोलते हैं, जो टाइल्स इत्यादि फर्श वगैरह फ्लोरिंग वगैरह में आता है. तो ये पैटर्न से जाना चाहिए. किससे जाना चाहिए? पैटर्न. एक विशेष पैटर्न मिलेगा पत्थर में अगर, तो वो टाइल्स इत्यादि के काम आता है, जो टाइल्स या पत्थर लगते हैं घरों में तो से निर्माण के समय. स्ट्रक्चर, ढांचा, डिजाइन, आप जानते हैं किसी चीज की डिजाइन बना लेना. और माउंड वर्ड जो होता है वो आपका आता है टीला, यानी मिट्टी का ढेर. मिट्टी का क्या होता है? ढेर होता है भैया, मिट्टी का ढेर होता है. ये था क्वेश्चन नंबर 4. चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. यहां पर आपको मिल चुका है क्लोज टेस्ट. ये पैटर्न किसका होता है? क्लोज टेस्ट का होता है. अब ध्यान से इसको पढ़ना है और फिर इसके जो ऑप्शन है एक एक करके उनको लेना है. अ सिटी प्रीडोमिनेंटली मेड ऑफ रेड स्टोन. प्रीडोमिनेंटली मतलब मोस्टली. प्रीडोमिनेंटली का क्या मीन्स होता है? मोस्टली, यानी ज्यादातर जो है ये रेड स्टोन का बना. फतेहपुर सीकरी फाउंडेड इन द 16th century. अब 16वीं शताब्दी, जैसा टाइम वैसा टेंस, यहाँ पे टेंस की ही बात की जा रही है. प्लस प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है, तो ये सारी चीजें स्ट्राइक करेंगी. तो भूतकाल का है, प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है, और पैसिव रचना है. तो पैसिव अगर हेड के साथ बनता है तो बीन होता है. अपने से तो बना नहीं, किसी और ने बनवाया है इसको, है ना. लिखा भी आगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट से पैसिव का भी पता चला. तो दो तीन चीजों का ध्यान रखना था यहाँ. एक तो ये भूतकाल की घटना है, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो स्वयं काम नहीं किया बल्कि इस पर क्रिया हुई है तो पैसिव चाहिए. तीसरा जो है वो बाई प्लस ऑब्जेक्ट से भी पता चला कि पैसिव है. तो ऐसे में यहाँ पे पैसिव बनाना है, और हेड के साथ पैसिव तभी बनता जब बीन क्रिया का थर्ड फॉर्म हो. ये हो नहीं सकता, इज हो नहीं सकता है, वर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फतेहपुर सीकरी प्रॉपर नाउन होने के कारण सिंगुलर है. तो आपका बहुत ही लॉजिकल आंसर इसमें वॉज आ गया. इसी से आप अंदाज लगाइए कि जो क्लोजेस्ट के क्वेश्चन आते हैं वो कठिन नहीं होते हैं. कहीं ना कहीं इन सब फैक्ट्स को, इन तथ्यों को हम ध्यान में नहीं रख पाते. तो जो रेड स्टोन से बना है ज्यादातर फतेहपुर सीकरी, वो स्थापित किया गया था 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा. इट इज, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं. इसमें क्या लिखा? इट इज इसेंशियली, इसमें लिखा है कि ये मूलता, इसेंशियली माने मूलता. तो पहले का तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, वॉज. पहले में क्या लिया बच्चों? वॉज लिया. अब है इट इज इसेंशियली अ फोर्टिफाइड सिटी. फोर्टिफाइड जिसके चारों तरफ बड़ी सी प्राचीर बनी हुई, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ. तो फोर्टिफाइड सिटी हैड बीन द कैपिटल ऑफ अकबर. अब सिटी यहाँ पे नाउन है, और ऑप्शन से आपका पता चल रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन लेना है. निर्जीव नाउन अगर हो, निर्जीव अगर नाउन हो तो रिलेटिव प्रोनाउन आपका फिर विच आता है. जो बच्चे ये बताते हैं कि क्लोज टेस्ट हमारा खराब हो जाता है, दिक्कत आ जाती है, वो यहाँ से ये महसूस कर सकते हैं कि दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए अगर आपके बेसिक रूल क्लियर हैं, पढ़ने की क्षमता है, शब्दों का मीनिंग निकालने की दम है, तो फिर ये गलत नहीं होना चाहिए. क्योंकि सिटी जो है निर्जीव है, तो विच हैड बीन द कैपिटल ऑफ, जो कि राजधानी रही है अकबर की 15 years. अब यहाँ 3 पे भी चलते हैं, 3 पे भी देख लेते हैं. 3 पे क्या लिखा, ध्यान से देखो.
जो कि राजधानी रही है, कैपिटल ऑफ अकबर 15 ईयर्स। अब यहाँ पे 15 ईयर्स के साथ अगर हम जाते हैं, 15 सालों से ये राजधानी रही है, 15 सालों से अगर राजधानी का सेंस क्रिएट करना है तो फिर आपको कौन सा ऑप्शन लगता है जो हो जाएगा। पीरियड ऑफ टाइम हैड बीन परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, पीरियड ऑफ टाइम, एक सिंपल सा ग्रामर रूल लगता है और वो है फॉर प्रेपोजिशन आ जाता है पीरियड ऑफ टाइम का, ये इसका कारण है। तो फॉर आपने ले लिया, चूंकि ये तो अवधि है 15 वर्षों की, तो यहाँ पे आपने फॉर को ले लिया। दो पे आपने रिलेटिव प्रोनाउन का चयन किया था विच, और पहले पर आपने पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाया था वॉच। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है दोस्त, आरके इंग्लिश ओरेकल प्लेटफॉर्म पर क्लोज टेस्ट, जंबल सेंटेंस और पैसेज रीडिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, मज़ेदार तरीके से, सरल तरीके से पढ़ने को आपको मौका मिलेगा। बस आप लोग जोड़िए जिनकी समस्याएं हैं मेरे साथ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें, ये आगे पढ़ते जाओ इसी को। ये क्या लिखा था कि ये चारों तरफ से घिरा हुआ शहर है जो कि 15 साल से राजधानी रही। नाव, ये नाव है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ए फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन, और ये फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अब आपको जाना है जो फोर्थ जगह, नहीं क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन चौथे स्थान पे आपको एक शब्द लेना है। तो चौथे स्थान पे इफ, नॉर, बट और एंड के साथ आपको। अब आपने लिखा कि ये हेरिटेज साइट है, साथ में लिखा आपने कि टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो जब दो एक जैसी चीजें आप जोड़ रहे होते हैं तो इसके लिए फिर एंड आता है, मतलब एक ही शहर है और उसके बारे में दो जानकारियां हैं, तो दो जानकारियां किसी के बारे में जोड़ोगे और वो आपस में विरोधी भी नहीं है तो फिर एंड का रास्ता पकड़ेंगे कि एक स्थान है, विरासती स्थल है और साथ में प्रसिद्ध टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आप यहाँ पर एंड का प्रयोग कर सकते हो, एंड का प्रयोग आसानी से आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी का। बहुत ध्यान से देखना है। अब इसमें लास्ट में क्या लिखा है, इट इज ए फाइन ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, और ये मुगल आर्किटेक्चर का फाइन क्या है। फाइन तो अच्छा शब्द है, विन तो बर्बादी के लिए आता, ऑर्गेनाइजेशन संघ होता है तो इसका मतलब नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा। तो ये फाइन आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, तो यहाँ पे क्या हो जाना, ए फाइन एग्जाम्पल, यानी ये स्थापत्य का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। इस तरीके से क्लोज टेस्ट जो आते हैं आपके बहुत सरल आने लगे हैं, आप इधर भी बिल्कुल टफ नहीं आते हैं, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, अच्छे से पढ़ें, ये भी एक आपका बहुत ही सिंपल एक्ट माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या डिमांड है जरा फटाफट देख लीजिए आप। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 की जो डिमांड है वो ये है कि आपको पैसिव फॉर्म चाहिए, द पुलिस ब्रॉट अ सर्च वॉरेंट। अब इसी से पैसे पकड़ में आता, चूंकि ये क्रिया का सेकंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म के बदले हम लोग क्या करते हैं, वॉज वर क्रिया का थर्ड फॉर्म तलाशते हैं, प्लस ए सर्च वॉरेंट होने के कारण आपका जो यहाँ आएगा वो वॉज आएगा, तो अ सर्च वॉरेंट वॉज। तो आप देखें तो ये होने से रहा, ये तुरंत काट हो, चूंकि एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है, एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है, इस बात का तो ध्यान हमेशा रखना है। तो पास्ट इंडेफिनिट के बदले पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा, एक्टिव का पैसिव तो आप दो जीरो कर दिया। अब यहाँ पे जो बचा हुआ हिस्सा है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, या सर्च वॉरेंट वॉज ब्रॉट, सर्च वॉरेंट वॉज ब्रॉट, यहाँ पे इन्होंने बाई प्लस ऑब्जेक्ट को छोड़ा है, जबकि बाई प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ छोड़ नहीं सकते हैं, तो यहाँ बाई द पुलिस यहीं पर जोड़, इन्होंने क्या किया, बाई द पुलिस दूसरे वाक्य के साथ जोड़ दिया, जबकि बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो है उस क्रिया के नजदीक रहना चाहिए जिस
क्रिया को इसके द्वारा किया गया हो, पुलिस के द्वारा या जो भी ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा किया गया हो, ऐसे में आपका तीसरा बेहतर होगा। और आगे व्हेन दे रेडेड हिज हाउस, यहां तो काफी गड़बड़ किया गया है, तो आपका आंसर इसमें आएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है जरा देख लीजिए। ये है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। इस इडियम का मीनिंग देना टू हैव अ गट फीलिंग। अगर आप में गट फीलिंग है तो गट फीलिंग का जो सेंस होता है वो होता है एक इंस्टिंक्ट और इंस्टीट्यूशन, यानी अंतर मन की आवाज। जैसे कहते हैं मेरी ये गट फीलिंग है, तो अंदर की आवाज, अंदर की मतलब मन की आवाज, इसे गट फीलिंग बोलते हैं। अक्सर बोलते हैं मेरे अंदर गट फीलिंग आ रही, मेरे अंदर से फीलिंग आ रही कि ऐसा होगा वैसा होगा। ये एक आपका इडियम है जिसका मीनिंग है टू फील एन इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन। इंट्यूशन, इंट्यूशन ही होता है अंदर की या मन की आवाज। इंस्टिंक्ट अंदर की जो भावना है, प्रवृत्ति है, उसके लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है भाई, इसमें कहा गया है कि भाई आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, दिए गए वाक्य में पहचानिए जहां ग्रामेटिकल इरर हो। ग्रामेटिकल इरर के लिए आप देखें जरा, मोस्ट ऑफ वोटर्स इन ताइवान सीम टू हैव वंस अगेन वोटेड फॉर द डेमोक्रेटिक पार्टी एंड प्रेसिडेंट साई इंग वेन। साई इंग वेन के लिए इन्होंने क्या किया है, वोट किया है। अब ये जो आपका एरिया है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूँ। ये जो रूल आता है, जैसे मोस्ट ऑफ, मैं इसको बेहतर होगा सीट पे लेके चलूँगा, आप बेहतर समझेंगे आप इसको। जैसे मैंने लिखा मोस्ट ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, सम ऑफ, इनके बाद जो नाउन आएगा पहले, अगर नाउन आ गया, वैसे तो प्रोनाउन भी आ सकता है, लेकिन अगर नाउन आता है तो ये प्लूरल आएगा। पहली कंडीशन तो ये है, और दूसरा इसके साथ आर्टिकल या डिटरमिनर यहाँ जरूर है। ये दो बातें इनके बाद जरूर ध्यान रखिए। एक तो भाई क्या ध्यान रखना है कि जो नाउन होगा वो प्लूरल होना चाहिए। कई बार यहाँ पे सिंगुलर नाउन डाल देते हैं, वो भी तुरंत काट दीजिए। आर्टिकल डिटरमिनर का होना यहाँ बहुत बहुत जरूरी है। इस तस्वीर को आप आंखों में बसा लीजिए, आंखों में बैठा लीजिए, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि मैंने इसमें जो सम ऑफ को अगर ये ना जोड़ा होता, सम और मोस्ट ऑफ, तो फिर आगे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ से यहाँ हेल्पिंग वर्ब का भी क्वेश्चन बनता है जो सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन कब, सिर्फ इन चार के साथ, मोस्ट ऑफ और सम ऑफ के साथ वर्ब प्लूरल आ जाती है। मोस्ट ऑफ और सम ऑफ के साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ आपका आंसर आ चुका है, मोस्ट ऑफ वोटर्स गलत है। ये होना चाहिए था मोस्ट ऑफ द वोटर्स, मोस्ट ऑफ द वोटर्स यानी मतदाताओं में से अधिकांश, मतदाताओं में से अधिकांश। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। ये इसमें पूछा गया है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम के लिए कोई एक शब्द देना है, इसी को बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम का मतलब तो हो गया कम समय के लिए जो चले, लास्ट माने चले, जो कम समय चले उसे तो क्षणिक बोलोगे। क्या बोलोगे, क्षणिक बोलोगे। तो आपका यहां पे इनफाइनाइट होता है अनंत,
ये तो अनंत की बात कर रहा है, एंडलेस भी अनंत, लेकिन जो इफीमरल होता है, ध्यान से सुनना इसको, इफीमरल वर्ड जो होता है बच्चे, इसका मतलब होता है क्षणिक। इसका मतलब क्या होता है? क्षणिक होता है। अब बात आती है कि भाई कुछ और भी वर्ड अगर ऐसे आ जाएं तो कुछ और भी तैयारी हो जाएगी, तो जरा देख ही लीजिए, देख लो ऐसे ही कुछ और शब्द। EPHE MERAL, इफीमरल, यानी आपका ये क्या हो गया? क्षणिक हो गया। अब आप इसके कई शब्द ऐसे में लिखने जा रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं और बार बार आते हैं, कई बार आ चुके हैं एग्जाम, जैसे मोमेंट्री होता है, फ्लीटिंग होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, तो फटाफट लिखते रहिए इनको, एक एक करके इनको लिख डालिए। फ्लीटिंग, FLEETING, फ्लीटिंग। ट्रांजिएंट, ये भी क्षणिक के लिए ही आता है। ट्रांजिटरी, ये भी क्षणिक के लिए भी आता है। TRANSITORY, इसी तरीके से शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिफ्ट को भी नोट कर दो, SHORTLIVED। इसी तरीके से पासिंग को भी आप यहां पर डाल दीजिए। पासिंग भी किस सेंस में आता है? क्षणिक के सेंस में आता है। मोमेंटरी को लिख दीजिए, टेम्पररी को लिख दीजिए, ये सब क्षणिक के सेंस में आते हैं बच्चे, सब एडजेक्टिव हैं और सबके सब क्षणिक के सेंस में आते हैं। इम्परमानेंट, फगेसस, फेडिंग, वैनिसेंट, तो तमाम शब्द जो आपके आ चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक दर्जन शब्द हैं जो क्षणिक का सेंस क्रिएट करते हैं, इनको आप याद करें। और सब के सब एग्जाम में जनरली देखने को मिले हैं, बस फगेसस नहीं मिला, बाकी लगभग सारे वर्ड्स देखने को मिल चुके हैं। ये एवेनिसेंट मिल चुका है, ट्रांजिटरी, ट्रांजिएंट, सारे वर्ड्स एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि इनको आप अच्छे से नोट करके रिवाइज करेंगे। इसका आंसर तो भाई आपका आसानी से आ ही चुका है ना। अब मामला आता है इल्यूसरी को क्या बोलते हैं। इल्यूसरी जो वर्ड है बच्चे, इसका एक बेसिक मीनिंग जो होता है वो भ्रामक होता है, मिसलीडिंग, MISLEADING, या फिर इसको आप फैलेसियस लिख सकते हैं, FALLACIOUS, भ्रामक लिख दो इसको, ये वर्ड जो है ना आपका, परिचय कर लो इसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भ्रामक। इसका एक ILLUSIVE भी लिख सकते हैं इल्यूसिव में, एक आपका यहाँ पे डिसेप्टिव भी लिख सकते हैं। तो तमाम इस तरह के शब्द आप इल्यूसरी के पर्यायवाची रूप में ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका इसमें 13 का आंसर क्या था? क्षणिक के लिए इफीमरल। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका जंबल्ड सेंटेंस, क्या है बच्चे? जम्बल्ड। और जम्बल्ड इतना आसान माना गया है, अगर आप देखें इसको तो ये बहुत आसान होते हैं। किस आधार पर होते हैं देखेंगे। जैसे ये प्रोनाउन, ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है, ये दे और ऑल्सो दोनों बातें इस बात का संकेत हैं कि पैराग्राफ का पहला सेंटेंस नहीं होगा। देयर आपका जो आया वो भी बता रहा है कि पहले नाउन आना चाहिए तब देयर आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी 100% बी से जाना पड़ेगा।
और बी से सिर्फ एक है, इसलिए बी आपका आंसर। देखो जरा कितना मतलब इसमें कुछ पढ़ा ही नहीं है मैंने, ये भी आंखों आंखों में एक नजर में अटैक कर सकते हैं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ग्रामर रूल्स होते हैं कि प्रोनाउन सेंटेंस पैराग्राफ का पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, इसीलिए तो इस तरह के क्वेश्चन अरेंज किए जाते हैं। कोई लोग पकड़ लें इसको, अगर ये सारी चीजें बहुत आसानी से इनके आंसर कर सकते। देखें इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखें, मजा आ जाएगा आपको। गिवन बिलो आर फोर जंबल्ड सेंटेंस, बहुत अच्छी बात है भाई, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर, वेरी गुड। अब आप देखें, आई सॉ अ सीड, आई सॉ द सैपलिंग, आई सॉ द स्प्राउट, आई सॉ द प्लांट, ये तो यार आप सोचो अगर एक बीज हो, एक सीक्वेंस दिया, बीज होगा पहले फिर उसमें स्प्राउट निकलेगा, पहले सीड, एक तो मतलब कॉमन सेंस है, पहले सीड होगा फिर उसमें अंकुरण आएगा तो स्प्राउट होगा, फिर आप देख पाओगे स्प्राउट के बाद आप सैपलिंग छोटा सा पौधा निकलेगा इसमें और फिर प्लांट बनेगा। इतना रोचक ये जंबल सेंटेंस आया कि पहले क्या दिखेगा आपको, पहले सीड दिखेगा, फिर क्या दिखेगा, अंकुरण, स्प्राउट माने अंकुरण होता है, फिर सैपलिंग छोटा सा पौधा, फिर सैपलिंग बनता है प्लांट, पेड़, कोई भी, आप इसमें कौन सा सीक्वेंस लेना चाहोगे। पहले ए और फिर सी पे जाओ सीधे, ए सी, फिर बी पे जाओ सैपलिंग, फिर प्लांट, ये आंसर हो गया आप। इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार, मजा आ गया इसमें, छोटा सा सरल सा क्वेश्चन। इसको देखते हैं क्या है, 16 में क्या लिखा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, द परफॉर्मेंस ऑफ द नोटेबल डांसर्स एंड गेस्ट आर्टिस्ट, जो परफॉर्मेंसेज हैं जाने माने नृत्यांगनाओं के द्वारा या नृत्य जो नाच नृत्य करने वाले लोग हैं उनके द्वारा और गेस्ट आर्टिस्ट के द्वारा जो मेहमान कलाकार हैं उनके परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को क्या किया होगा, इमर्ज डुबा दिया होगा, इमर्ज माने डुबा देना, डुबा देना, और वो भी किसी लिक्विड इत्यादि में या फिर कहीं ना कहीं और किसी कंडीशन में, ऑक्यूपाई बिजी कर देना, किसी को व्यस्त कर देना, एब्जॉर्ब सोख लेने के सेंस में आता है, कोई चीज सोख लेना, और इंथ्रॉल होता है मंत्र मुग्ध करना, तो भैया जब कोई कार्यक्रम देते हैं तो मंत्र मुग्ध हो जाना, मंत्र मुग्ध हो जाएंगे एकदम, मन एकदम पूरा उसी में डूब जाए, तो ये इंथ्रॉल्ड क्रिया का कॉलोकेशन है, यानी कि यहाँ अगर परफॉर्मेंस अच्छे हो रहे हैं, ऑडियंस हैं, तो बिल्कुल ऑडियंस इंथ्रॉल्ड महसूस करेगा, एकदम बिल्कुल डूब जाएगा, रंग उसी रंग में रंग जाएगा, तो मंत्र मुग्ध हो जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, 17 में क्या कहा गया है, ध्यान से देख लीजिए आप, इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला शब्द चाहिए आप, इनकरेक्ट स्पेलिंग जिसकी होगी वो वर्ड आपको चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी होता है भेदभाव करने वाला, भेदभाव करने वाला, एक्सेस अधिकता के सेंस में आता है, सपोर्टर्स SUPPORTERS, तो भैया 17 पे सपोर्टर जो है वो स्पेलिंग आपकी गड़बड़ है, आंसर आपका बी बनेगा, इनकरेक्ट है। इंक्लूजन होता है समावेश, यानी शामिल कर लेना, समावेश कर लेना या शामिल कर लेना। एक और शामिल कर लेना, तो आपका आंसर यहां क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एटीन
18 में क्या है, इंस्ट्रक्शन देखा तो पता चला कि सब्स्टिट्यूट यानी कोई इम्प्रूवमेंट अगर हो सकता है दिए गए ऑप्शन से तो करना है, नहीं हो सकता तो नो इम्प्रूवमेंट लिख देना। सिंस इट फॉल्स ऑन द फ्लोर हर डॉग अ ब्लैक लेब्राडोर गल्प द बिस्किट डाउन। तो उसके डॉग ने क्या किया, बिस्किट को गल्प डाउन कर लिया, निगल लिया उसको। तो अब आप यहाँ पे अगर जाएं तो यहाँ वी टू है, एक एक्शन पास्ट का है तो दूसरा एक्शन भी पास्ट का होना चाहिए। तो ये कटा और ये कटा और ये है इसका इम्प्रूव। सिंस इट फेल ऑन द फ्लोर और एट यहाँ पे क्या है, बिस्किट क्या गिरा, बिस्किट गिरा, जैसे ही फ्लोर पे गिरा कुत्ते ने उसको खा लिया, बस सिंपल सा। तो अगर ये एक्शन पास्ट में है तो इंटर रिलेटेड एक्शन यानी उससे संबंधित एक्शन भी तो पास्ट में होगा। खाने की घटना भूतकाल की है और गिरने की घटना प्रेजेंट की है, खुद सोचो ये भी तो पास्ट में होना चाहिए, वी टू होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। 19 को देखें क्या इशू है भाई, फटाफट। इंस्टेंट, इंस्टेंट का जो सेंस होता है वो तुरंत या फौरन, फौरन कह सकते हैं या तुरंत कह सकते हैं, तुरंत। अब एंटो चाहिए यानी अपोजिट चाहिए, प्रॉम्प्ट एकदम इंस्टेंट के नजदीक है, बहुत तत्पर होता है, तुरंत करने वाला कोई काम तत्पर होता है। क्या होता है बच्चे, तत्पर का सेंस क्रिएट करता है। सिमिलर समान होता है, ग्रेजुअल धीरे धीरे होता है, और डाइवर्स जो होता है, जैसे अगर आप डाइवर्स हो रहे हैं तो आपकी जैसे कहते हैं अलग अलग दिशाओं में चले जाना होता है, डाइवर्स करना, तो आप ग्रेजुअल से जाएंगे क्योंकि इसमें तो तुरंत करेंगे, इसमें धीरे धीरे स्लोली। स्लोली का सेंस क्रिएट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड idiom इन द गिवन सेंटेंसेस। अक्षय इज लाइकली टू टेक द हीट। अब ये आपका idiom है टेक द हीट। टेक द हीट का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है आलोचना को झेलना। आलोचना को झेलना या जो भी प्रॉब्लम है उसका मुख्य मतलब प्रॉब्लम को झेलना, आलोचना को झेलना। यहाँ पे फॉर हैविंग मिसकैलकुलेटेड द एक्सपेंसेस, खर्चे का गलत कैलकुलेशन करने के लिए अक्षय को आलोचना झेलनी पड़ी या आलोचना झेलने की संभावना है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है की संभावना है ये आपके। 21 को देखते हैं, दिस इज अ क्लास। अब चूंकि क्लास देखो अभी अभी बात कर रहा था मैं क्लोज टेस्ट के दौरान, सिटी के बाद आपने विच लिया था, निर्जीव चूंकि यहाँ पे नाउन है प्यारे बच्चे, तो निर्जीव का रिलेटिव प्रोनाउन आपका यहाँ पे हु तो होगा नहीं। अब आप अगर ए क्लास से सिंगुलर है तो विच भी नहीं ले सकते हैं, तो फिर दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके पहले सजीव निर्जीव कोई भी हो सकता है, सजीव नाउन प्रोनाउन भी हो सकता है और निर्जीव नाउन प्रोनाउन भी हो सकता है। ऐसे में यहाँ पे दैट इज एक्सपेक्टिंग टू, लेकिन दैट इज एक्सपेक्टिंग से जाएंगे तो भी गड़बड़ है, तो भी गड़बड़ है। इसका मतलब एक विच में इन्होंने गलत छाप दिया है, ये इज था भैया, हालांकि अगर नहीं होता तो दैट पे जाते, लेकिन ये विच जो है प्यारे बच्चे मिसप्रिंट है। तीसरे में विच इज का आप लिखें, यहाँ इज लिखें, तो तीसरा आंसर है यही इसका एक्चुअल क्वेश्चन का फॉर्मेट था, विच को ही रखें लेकिन उसमें इज का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि एंटीसीडेंट क्लास यहाँ पे सिंगुलर नाउन होने के कारण यहाँ पे विच इज का प्रयोग होगा और ये आपके दिए गए ऑप्शन में भी था क्वेश्चन में। यहाँ टाइपिंग की प्रॉब्लम है, टाइपिंग को सही कर दीजिए। विच इज ये तीसरा होगा, विच इज एक्सपेक्टिंग टू डू,
क्योंकि दैट वाला हम क्यों छोड़ दिए, क्योंकि टू के बाद सीधे सीधे क्रिया का थर्ड फॉर्म दिखना ये भी आपत्तिजनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल सा एक वर्ड है बट इसको क्या किया गया है, रिंड, ये जनरली बहुत कम यूज में आने के कारण ये लोगों के लिए थोड़ा सा नया सा बन जाता है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसका साइनो चाहिए, और रिंड या लाइन का मतलब होता है पील यानी छील देना, छिलका निकाल देना, छील देना या छिलका निकाल, छील देना या फिर छिलका निकाल देना। इसकी जो साउंड है बेटा वो राइंड पढ़ेंगे, राइंड, राइंड यानी पील यानी छिलका निकाल देना, या फिर स्किन भी आप लिख सकते हैं, स्किनिंग करना भी होता छिलका निकाल। शेड छाया के लिए आता है, पेटल जो है वो पंखुड़ी होती है और लीफ पत्ती होती है, पेटल पंखुड़ी होती है, फूल की जो पंखुड़ी होती है उसे पेटल बोलते हैं। जरा देखें 23 को, निधि निधि एक्सक्लेम्ड दैट दैट इज वॉज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, दैट इज वॉज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। तो यहाँ पे निधि एक्सक्लेम्ड दैट इज वॉज में से क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसकी भी कुछ प्रॉब्लम, दैट इट वॉज, इसको इट कर लो पहले, दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, इसको इट कर लीजिए, दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, ये छोटा सा चेंज कर लें। तो निधि क्लेम दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, अब आप इसको डायरेक्ट फॉर्म में लेके जाइए, तो निधि चूंकि क्लेम को बनाए रखना है तो स्वाभाविक है कि आप फिर सीधे सीधे इस पर आइए, क्योंकि एक्सक्लेम होता आश्चर्य के साथ कोई बात कहना, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसमें आपको डालना है। फिर इसको इन्होंने असर्टिव में बदला दैट कंजंक्शन लगा के, आप व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, एक्सक्लेम क्रिया को छोड़ना नहीं है क्योंकि ये उसका सेंस बदल सकता है, तो यहाँ बी आपका ऑप्शन बन जाए। अच्छा क्वेश्चन था ये छोटा सा। नेक्स्ट देखें इसमें 24, We noticed that most of the, देखो अब यहाँ पे आ गया, most of the shoppers in the mall looking for packets of ready to cook food. यहाँ पे अगर आप देखें 24 में तो आपका we noticed ये सही है, subject notice क्रिया का second form ये भी सही है, that conjunction सही है, फिर अगला sentence में most of the shoppers in the mall ये भी ठीक है, लेकिन लुकिंग फॉर ये देखें अगर, तो दैट कंजंक्शन के बाद मैं थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूँ इसको ताकि बेहतर समझें आप, दैट के बाद ये कंजंक्शन है तो इसके बाद ये जो है यहाँ तक आपका सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट आ गया है तो सब्जेक्ट के बाद जो क्रिया आती है वो टेंस के अनुसार आना चाहिए, टेंस वाइज वो अब आना चाहिए, अब टेंस के अनुसार यहाँ क्रिया है नहीं, तो नोटिस्ड चूंकि सेकेंड फॉर्म है ना, तो आप यहाँ ये लिखो शॉपर्स इन द मॉल, या तो वर लुकिंग फॉर कर दो, हमने देखा कि शॉपर जो है वो तलाश रहे थे तो वर लुकिंग फॉर, टेंस बनाओ इसको किसी तरीके से, चूंकि सब्जेक्ट जब आ गया तो टेंस के अनुसार क्रिया होना चाहिए, तो लुकिंग फॉर के पहले आप वर लुकिंग फॉर पैकेट्स ऑफ रेडी टू कुक फूड, यहाँ पे आप ये चेंज करेंगे। नेक्स्ट को देखें, आई थिंक वो लास्ट भी है, जरा इसमें क्या है, टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड,
यानी ऐसे लोगों के साथ जुड़ना जो उसके काइंड के हों, उसके टाइप के हों। अपने ही टाइप के लोगों से जुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है, जो अपने ही प्रकार के लोगों से जुड़ने की प्रवृत्ति है, इसे ग्रीगैरियस बोलते हैं, मिलनसार बोलते हैं। एसोसिएट विद है ना, मिलना जुलना, तो आप मिलनसार लें। हार्मोनियस होता है सामंजस्यपूर्ण, जिसमें तालमेल हो, शांति हो, सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण। कॉन्ग्रुएस होता है समांगी। जीनियल जो है, अगर आप देखें तो ये किस सेंस में आता है जीनियल, हम लोग कई बार डिस्कशन का हिस्सा बना चुके हैं। इस वर्ड के साथ थोड़ा सा बेहतर रहिए आप, GENIAL के साथ आप अफेबल को जरूर जोड़ दीजिए, AFFABL, और सरल शब्द एक जोड़ लो ताकि आपको याद भी रहे। फ्रेंडली, फ्रेंडली जीनियल बेसिकली जो होता है, फ्रेंडली एंड चीयरफुल, फ्रेंडली एंड चीयरफुल, फ्रेंडली एंड चीयरफुल। तो दोस्तों ये था आपके साथ सेट नंबर 6 2020 का, और ये 2020 के सारे सेट्स हम लोग सॉल्व कराएंगे, और ये सारे सेट्स जो कि ऐप का नाम है आर्केंगो लाइव ऐप, इस पर चले जाएंगे। और बहुत ही सस्ता सा एक छोटा सा पैकेज मैंने ऑनलाइन इसको बनाया है, इसको आप जोड़िए, मिनिमम मतलब बहुत कम 699 का। तो सारे सेट्स लगभग 100+ सेट्स हैं, मज़ा आ जाएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 2020-21 का साथ में अपने ओपिनियंस, अपने कमेंट्स चैट सेक्शन में जाके जरूर दिया करो, अच्छा लगेगा हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।